सिविल कोड की बात कर ले, कॉमन सिविल कोड के बारे में पता है, एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। ओवैसी साहब कह रहे हैं नहीं, दो कानून होना चाहिए। आप गलत कह रहे हैं, कैसे कह देंगे? उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी ना। ओवैसी साहब विपक्ष वाले की दुकानें बंद हो रही, जब विपक्ष की दुकानें बंद हो जाएगी, मोदी जी जब आए इनकी दुकानें बंद हो गई। सबका साथ सबके विकास में काम हो रहा है। योजना मुसलमानों को मिली, क्या योजना नहीं मिली? मुसलमानों को उल्लू बनाया जा रहा था कि मुसलमान, अगर सरकार, अगर भाजपा के एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा था कि भाजपा को वोट मत देना मुसलमानों, अगर भाजपा आ गई तो मार देंगे, कतलेआम हो जाएंगे, दंगे होंगे, फसाद होंगे। लेकिन 5 साल पिछली सरकार चली गई और योगी जी की और मोदी जी की 9 साल बेमिसाल, एक कानून, एक दंगा बता दो देश में कहीं हो, हिंदू मुस्लिम। तो मेरठ वही है, हाशिमपुरा वाला ना, वही आज तक कोई दंगा हुआ? पहले दंगे पेश होते थे, आज लोग भूल गए। आज लोगों को व्यापार चाहिए, कारोबार, एक अल्लाह ने ही जरिया बना दिया, मोदी जी और योगी जी को लाओ, इन मुसलमानों को रास्ते पर, आगे रास्ते पर आ रहे हैं, खुदा ने भेजा इन लोग को, लग रहा है। हाँ भाई, खुदा ने भेजा, बिल्कुल। मोदी जी खुदा के बंदे हैं क्या? बिल्कुल बंदे खुदा के हैं, सब सभी खुदा के बंदे हैं जी, उन्होंने ही भेजा है और कुछ सोच समझ के ही उन्हें जो दोबारा चुना है। और हो सकता है आने वाले टाइम में इंशाल्लाह फिर दोबारा भी आएंगे। दोबारा आएंगे, मुसलमान किसको ला रहे हैं बताइए? मेरठ का मुसलमान किसको लाएगा? मोदी जी को लाएंगे बिल्कुल। अखिलेश यादव का दिल टूट जाएगा, आप ऐसी बात कर रहे हो। मुसलमान सपा के साथ कैसे? कोई बात नहीं, आज तक यूज करा मुसलमानों को सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को यूज करा है। अब जो मुस्लिम समाज की बात समझ में आ रही है, अब हम यूज होने वाले नहीं है। 9 साल बनाम 70 साल की एक थ्योरी पेश की जा रही है। ये कहा जा रहा है 70 सालों में मुसलमानों का जो नहीं हुआ वो 9 सालों में हो गया। कितना सच है, मुसलमान क्या कहता है? अब तक जो भी पार्टी आई हमारे यहाँ, कांग्रेस हो और अखिलेश की हो, कोई भी हो, बसपा हो, कोई भी हो, उसने हमें मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। और अब हमारे नरेंद्र मोदी जी है, योगी जी है, वो अब आए हैं और जितने भी हम मुसलमान हैं, तन मन धन से योगी जी के साथ है और मोदी जी के साथ है। झूठा कौन और सच्चा कौन, ही बताइए। जो झूठ, भाजपा तो झूठों की पार्टी है ना? नहीं, देखो यार ये क्या बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, सही बात बताओ, कैमरा देखो, झूठ मत बोलो, सही बताओ, बिल्कुल सही, एकदम ईमानदारी वाली बात बोलना। जो मोदी जी की पार्टी बिल्कुल सही पार्टी है, सही काम कर रही है, सही काम कर रही है, सही काम कर रही है, ईमानदारी से। अखिलेश यादव क्या करेंगे? नहीं, ईमानदारी से राशन बढ़ रहा है, ईमानदारी से काम हो रहा है। राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पेट भर रहा है तो मोदी जी के लिए दुआएं निकलती है? हाँ बिल्कुल निकलती है, ये बात आपने सही कही। दुआएं जब राशन मिलता है, जब झोला भर के आता है और जब शाम को निवाला जाता है, तो दुआएं किसके लिए निकलती है? मोदी जी के लिए दुआएं निकलेंगी। उनके बारे में क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में वो आए हैं तो उन्होंने क्या किया, कितनी सीट निकाली अब तक, आप बताइए ना, कितनी सीट निकाली? चुनाव में आते हैं उसके बाद हैदराबाद से स्टेटमेंट जारी करते हैं, चुनाव में ही दिखाई दिए हैं वो। दो बार चुनाव हुआ, दोनों बार दिखाई दिए, उसके बाद कोई मामला नहीं है उनका यूपी में आने का। मेरठ तो खैर आए थे, एक बार आए थे और आने के बाद कोई मामला नहीं हुआ उनका। कान किसकी तरफ जा रहे हैं? बहुत सारी चीजें समझने के बाद, आप सब सुनिए बात, समझने के बाद जो है मुसलमान एक लाइन पे आया और ये जलवा दिखाई दे गया है निकाय चुनाव में। अब आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा ऊपर, तो दोनों तो भरोसा कर रहे हैं। पहली बार भाजपा अपने इतिहास में निकाय चुनाव में 300 से ज्यादा मुसलमानों को टिकट दी। तो वैसे जी जो कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक जब लाया जा रहा था तो बहुत विरोध किए थे संसद में, वो विरोध जायज था या नाजायज था ये बताइए? वो गलत था, पूरी तरह से, पूरी तरह से मुसलमानों को भी गलत लगा? जी हाँ गलत। तो ये कानून मुसलमानों के हक में है कि नहीं है ये बताइए? बिल्कुल मुसलमानों के हक में है। हाँ, मुसलमानों के हक में है। हाँ।